अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और हमने 2 कप मेजर करके मैदा रख लिया है। ये ऐड कर देंगे हम इस बाउल में सारा मैदा। हमारे पास है कोको पाउडर 1/2 कप, हाफ कप है हमारे पास है कोको पाउडर, ये भी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। पहले ही आप इसको किसी स्ट्रेनर में डाल के तो छान लें ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। मैंने पहले ही छान के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। ज़्यादा भर के हमें यूज़ नहीं करना, लेवल्ड हमें से टीस्पून लेने 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। और हमने मीठा सोडा जो होता है वो हमें ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून। ये भी लेवल्ड हम इसमें ऐड करते हैं। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से अब मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास है 1 कप से थोड़ा सा कम, वैसे इसमें रेसिपी में 1/2 कप एक जाएगा शुगर का, बट मैं इसमें शुगर 1 कप से कम यूज़ करूँगी। और 1 कप है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का मिल्क, इसको मैं इसी में ही डाल के मेल्ट कर लूँगी शुगर को। देखिए मेरे पास 1 कप दूध था, मैंने उसमें से थोड़ा सा दूध बचा लिया और बाकी में मैंने शुगर को मिक्स कर दिया है। और हमारे पास है 1 कप से थोड़ा सा कम हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल ऐड कर देंगे इसमें मेल्टेड ऑयल, रूम टेम्परेचर ऑयल। और ये जो हमने मिक्स किया है शुगर और दूध को, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। आप इसमें आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 एग। इसको 3 एग को हम इसमें तोड़ के ऐड कर देंगे। डायरेक्टली हम ऐसे ही सब कुछ ऐड कर देंगे, हमें कुछ बीट करने की ज़रूरत नहीं है। एग भी हमारे पास रूम टेम्परेचर है, ठंडा हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना फ्रिज का, सब कुछ हमारे पास रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर लेंगे 1/3 टीस्पून। 1/3 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर लेंगे। आप चाहते हैं तो इसको वनीला एसेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं और बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो। और इसमें हम ऐड कर देंगे, पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे अब अच्छा सा। अगर हमें मिल्क और ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो जो हमने साइड पर रख दिया वो भी यूज़ कर लेंगे। कुछ भी हमें बीट नहीं करना, एग को सेपरेट बस डायरेक्टली डालें और मिक्स करें। हमें इसका बैटर थिक लगेगा तो हमने जो साइड पर मिल्क रखा वो भी ऐड कर दिया। ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें, पूरा 1 कप हमारा चला गया इसमें। देखो हमारा इतना अच्छा सा मिक्स हो चुका है, बैटर बिल्कुल परफेक्ट इसके देखें थिकनेस है। ऐसे हम मेजर करके सब कुछ ऐड करेंगे तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा केक कभी ख़राब बनेगा कभी अच्छा बनेगा, हर मरतबा ही हमारा परफेक्ट केक ही इंशाल्लाह बनेगा अगर हम इसकी मेजरमेंट ठीक से रखेंगे मेजर करके कप्स, तो हमारा केक बेक अच्छा सा इंशाल्लाह हर बार ही होगा। अब हम इसमें लास्ट में हमने मिक्स कर लिया केक का बैटर, अब इसमें लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर। और इसको फिर सब हल्का सा मिक्स कर लेंगे ऐसे ही।
विनीगर को हम लास्ट में ही मिक्स करेंगे, पहले ऐड नहीं करना हमने। हमने एक पैन को ग्रीस करके रख लिया बटर पेपर लगाकर, और एक पॉट को मैंने पहले ही प्री हीट करने रख दिया है, और उसमें 25 से मिनट से 30 मिनट अराउंड हम इसको बेक करेंगे, और ये इंशाल्लाह अच्छा सा बेक हो जाएगा 3 दिन में। ये देखिए हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका। अब हमने एक पॉट को ले लिया, आपके पास कोई भी शेप का केक पैन हो या आप किसी में भी बना सकते हैं इजीली, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास मोल्ड नहीं है। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे, और मैंने इसको पहले ही ग्रीस कर लिया, बटर पेपर लगा दिया है, और ये सारा हम बैटर इसके अंदर डाल देंगे। हमने सारा इसमें बैटर पोर कर दिया, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और हमने एक पॉट को गर्म करने रख दिया है। पॉट को प्री हीट हमने कर लिया है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इसको रख देंगे देख कर ताकि हमारा हाथ ना जले। ऐसे अब कवर अप करके हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसको हम कवर अप करके रख देंगे ताकि इसमें से कोई स्टीम ना निकले, मीडियम टू लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए। और हम सेंटर में टाइमिंग में चेक भी कर लेंगे कि हमारा 25 मिनट के बाद कुक हो चुका है। अगर 25 में कुक हो गया तो मैं आपको लास्ट में सारी टाइमिंग मेंशन कर दूंगी कितनी फुल टाइमिंग है। मिलते हैं 1/4 घंटा हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं केक को अपने सेंटर में से किसी नाइफ से आप चेक कर लें। देखिए माशाल्लाह हमारा केक परफेक्ट कुक हो चुका है, 30 मिनट में ये अच्छा सा कुक हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए हमने ठंडा होने के बाद तो केक को निकाल लिया था, और नीचे से भी ये देखिए इतना प्यारा सा, बिल्कुल नहीं जला, बिल्कुल भी नहीं लगा, और बटर पेपर भी हमने इसका सेपरेट कर लिया। अब हम इसके मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी, अब हमें इसकी और डबल कटिंग करके तो इसको इवन करके पीसेस बना लूँगी। ये देखें इतना ज़बरदस्त है, हमारे 2 पीस हो गए, हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। हमने ले लिया है 1/2 बार हमारे पास चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, इसके अंदर हम 2 स्कूप मिल्क ऐड कर देंगे, और इसको माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकेंड या 40 सेकेंड ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब हम प्लेट ले लेंगे, प्लेट जिसमें हमने केक को रखना, और उसमें ऐसे हम बटर पेपर्स के पीस कट करके तो इस तरह रख देंगे ताकि हम जब अपने केक की सेटिंग करें तो हमारी प्लेट गंदी ना हो, और हम बाद में इसको ऐसे ही केक में से निकाल लेंगे, पीसीस ऐसे रख लेंगे सेटिंग टाइम पर, प्लेट हमारी ख़राब भी नहीं होती और आराम से सेटिंग भी हो जाती है। अब हम इस पे केक रख देंगे जो हमने एक लेयर कट की है, ये देखें ऐसे रख देंगे, और जब हमारा सेट हो जाएगा केक तो हम यहाँ से बटर पेपर को बाहर निकाल देंगे। और मैंने सिरप बना के रख लिया है, शुगर सिरप। शुगर सिरप में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, और 1/2 लेमन ऐड कर दिया है। लेमन ऐड करने से इसका टेस्ट बड़े मज़े का सा हो जाता है, इस वजह से हमने इसमें लेमन ऐड कर दिया। पानी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी थी, और इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छा सा। अब हम इस पर ऐसे ऐड कर देंगे जितनी हमें इसकी ज़रूरत है ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा केक बन जाए। लेकिन सारे हम इस तरह ही करतेंगे, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाता है। देखिए बिल्कुल कॉर्नर्स पर हम इस तरह से सिरप को डाल देंगे, और सेंटर में भी सारा इन्होंने देखें आराम से धीरे अंदर चला गया। अब ये जो हमने केक का पीस कट किया है इसको हम उल्टा करके रख देंगे, जैसे मर्जी आप इसकी सेटिंग कर लें सिंपल से। इसको भी मॉइस्चराइज हो जाएगा ये पीस में भी हम डाल देंगे तो।
बस इनफ है हमने जो सिरप इसमें ऐड किया। और अब हमने ले लिए हैं चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप है हमारे पास, जितनी मर्जी आपका दिल चाहे ले सकते हैं। मैंने 1 कप ले लिया। ये देखिए हमने 40 सेकेंड चॉकलेट को मेल्ट करने रखा था, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून बटर भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चॉकलेट अच्छी सी शाइनिंग वाली हो जाए। ये भी इसी में गर्म है, हमारी चॉकलेट इसी में मेल्ट हो जाएगा आराम से इजीली। बटर हमने इसलिए ऐड किया है कि चॉकलेट में और अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। और मिक्स कर लेंगे हम इसे। चलेंगे तो चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसको हम साइड पर रख देंगे। और जो ये हमारा केक का पीस है इसको मैं उठा लेती हूँ फिर से ध्यान से टूट ना जाए। अब ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट किए हैं ये भी इस पर ऐड कर देंगे। जितना आपका दिल चाहता है आप उतनी ही चॉकलेट ऐड कर दें। ये हमारे पास है चॉकलेट चिप, चॉकलेट चिप भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अभी जो हमारा केक का पीस है ये भी इसके ऊपर देख कर ध्यान से हम रख देंगे ताकि ये टूटे ना। देखिए हमने सारी चॉकलेट ऐसे ही इस पर सारी लगा दी है। अब हम इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे, आप जैसे मर्जी ऐड कर दें। मैं इसके कॉर्नर्स पर चॉकलेट चिप ऐड कर दूँगा या आप सेंटर में भी सारे डाल सकते हैं, कॉर्नर्स पर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लॉट ऑफ चॉकलेट के साथ केक रेडी है हमारा, ये चॉकलेट केक। ये देखें हमने इसके कॉर्नर्स पर सारे चॉकलेट चिप ऐड कर दिए। और थोड़े से हम आलमंड्स भी हमने बारीक बारीक कट कर लिए, वो मैं भी इसमें पहले सेंटर में चॉकलेट डाल दूँ फिर ऐड कर दूँगी वो भी। थोड़ी सी चॉकलेट को मैंने और मेल्ट कर लिया है और इसके सेंटर में मैं अगेन चॉकलेट ऐड कर दूँगी। आप इसे घर में बनाएं इजीली, बच्चों को बना के रहें तो खुश हो जाते हैं बच्चे। और आप इसको इजीली घर में आराम से बना भी सकते हैं, जैसे मर्जी सेटिंग करें आप इसकी। मैं अब इसके ऊपर साइड कॉर्नर्स पर आलमंड्स भी थोड़े थोड़े से डाल दूंगी। बिल्कुल बारीक से हमने आलमंड्स को क्रश कर लिया और ये थोड़ा थोड़ा सा हम ऐसे डाल देंगे ताकि अच्छा लगे। किसी भी तरह इजीली हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए बस हमने आलमंड्स जो कॉर्नर्स पर थोड़े थोड़े लगाएंगे। Enough, huh?
ये देखें, अब हम जब हमने सारी चॉकलेट लगा ली है, सारी सेटिंग कर ली है, अब हम इसके जो ये हमने पेपर्स बटर पेपर लगाया था इसको सारा हम कॉर्नर से ऐसे ही आराम से निकाल लेंगे। देखिए हमारी प्लेट बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई और हमारी केक की सेटिंग भी हो गई। अब हमने और आलमंड्स ले लिए, इसके दो दो पीस ऐसे सेंटर में से कर लिए, और ये जो हमारे पास चॉकलेट है ये आलमंड्स हम इसमें ऐड कर देंगे और इस आलमंड्स को कोट कर लेंगे हम। ये सारा इसमें आलमंड्स चॉकलेट कोट हो चुकी है और अब हम इसको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे। देखिए इतना प्यारा लग रहा है हमारा केक, और ये चॉकलेट बाकी भी ऐसे इस पे थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते हैं। चलें जी, हमारा चॉकलेट केक रेडी है फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट केक रेडी टू ईट है। आप इसे बनाएं, बच्चों को घर में बना कर दें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।